दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन का सफल समापन हो चुका है। शनिवार को G20 मेहमानों के स्वागत में द्रौपदी मुर्मू ने डिनर का आयोजन किया था, जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया था। इस डिनर में बिहार, झारखंड, बंगाल सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया था। हालांकि कांग्रेस शासित 3 राज्यों के मुख्यमंत्री इस डिनर से दूरी बनाते दिखे। राजस्थान के CM अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल और कर्नाटक के CM सिद्धारमैया G20 डिनर में शामिल होने नहीं आए। हालांकि हिमाचल की कांग्रेस सरकार के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू डिनर में शामिल हुए। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने राष्ट्रपति के डिनर से दूरी क्यों बनाई। दरअसल इस डिनर कार्यक्रम के लिए कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण नहीं मिला था, जिसकी वजह से कांग्रेस की ओर से इसकी निंदा की गई थी। और इसी को देखते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस डिनर में शामिल नहीं हुए। इन दोनों नेताओं की ओर से कहा गया कि दिल्ली में नो फ्लाइंग जोन है, इसलिए वहां जाना संभव नहीं है। हालांकि इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा था कि मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों के लिए दिल्ली में नो फ्लाइंग जोन नहीं है। वहीं कर्नाटक के CM सिद्धारमैया ने डिनर में शामिल नहीं होने के पीछे स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया था। वहीं खड़गे को G20 डिनर का न्योता न दिए जाने पर भूपेश बघेल ने भी प्रतिक्रिया दी थी। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। देखिए, इसके पहले इंदिरा जी 40 साल पहले 100 राष्ट्र के तो उसके राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री आए थे। ये तो 20 में उसमें भी कुछ लोग नहीं आए और उसमें भी विपक्षी नेताओं को आमंत्रित नहीं किए, जिसमें खड़गे शामिल हैं। तो ये प्रचार प्रसार करने का एक तरीका है। अभी तक के तो उस बैठक का कोई रिजल्ट दिखाई दे नहीं रहा, लेकिन अब आने वाले समय में क्या बैठक का रिजल्ट निकलता है वो देखेंगे। बता दें कि G20 डिनर में कांग्रेस शासित 3 राज्यों के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सहित कई अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी दिखाई नहीं दिए।